सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेनसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंडिकेशंस हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कि हम फ्लैट नाम के लिए इन ग्रीन खोलेंगे। कल हफ्ते की जब शुरुआत हुई, क्योंकि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड कहेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि शनिवार को तो काम कराया आपने, एक्सटेंड नहीं कहेंगे उसको, वीकेंड ही कहेंगे। नॉर्मल वीकेंड है, बस दिन इधर हो गया, दो ही दिन थे। अच्छा, तो जो भी है, वीकेंड के बाद जब लौट के आए, कल जब सेशन की शुरुआत हुई तो गड़बड़ा गया था मामला, पर लोअर लेवल से एक बढ़िया 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी प्ले आउट हुई और फाइनली इन ग्रीन बंद हुए थे। वोलेटाइलिटी काफ़ी है, विक्स काफ़ी उछला हुआ था, मूड उसने शायद बिगाड़ा था, पर कल बचा लिया DIIs की बाइंग ने। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो बढ़िया पॉजिटिव था, इसीलिए लोज से एक बढ़िया रिकवरी डिलीवर। पर आज के लिए पिच, ग्राउंड, मूड, माहौल है कैसा, ये समझ लेते हैं, क्योंकि अपना तो खैर खिलाड़ी अजीबोगरीब खेल रहे हैं आजकल, फिर भी पिच कैसी दी गई है क्यूरेटर्स द्वारा ये देख लिया जाए। अरे तो सख्त मामला दिख रहा है, पिच तो ठीक है, पिच में कोई गड़बड़ नहीं, पिच बहुत शानदार है। हाँ, चाहे वो आप ग्लोबल देखो या इंडिया में, क्या ना, देखिए अभी ये इंडेक्स, कल इतने पॉजिटिव कमेंट थे प्राइम मिनिस्टर के सबके, लेकिन इंडेक्स लेवल पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। 16 वोल्ट तो लगता है DIIs को धक्का दिया, बोले लो भाई FIIs ने कल भी कितना 1800 का बेचा, उन्होंने असल में क्या हुआ 3500 की खरीदारी कर ली, नेट फ्लो बढ़िया हो गया, करें नेट फ्लो बढ़िया होगा। मेरा मानना ये है कि ग्लोबल पिच हम जरूर देखते रोज और बहुत ही शानदार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 जून तक आप इंडेक्स लेवल पर इंडिया को ऐसे ही देखेंगे, 23,000 के आसपास नीचे 200-400 पॉइंट की रेंज में, लेकिन स्टॉक में बड़ा मूवमेंट होगा। क्या होता है, नए खिलाड़ी होते हैं ना, इतनी पब्लिक देख के नर्वस हो जाते हैं, आम जनता की नर्वसनेस है ये, आम जनता की नर्वसनेस, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं ना, छवे चक्के जल रहे हैं भाई साहब। कल जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक 20% चला है, और इससे होते नाम इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा चला, अदरवाइज आप पूरा मेटल देखिए, PSU बैंक देखिए, इंडियन बैंक आखिरी घंटे में 7% ऊपर था, चांदी का कमाल था हिंदुस्तान जिंक, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक में चांदी का कमाल, एक कंपनी थी जो बेचारी सालों से बेंगलुरु के कर्नाटका से वो माइन करना चाहती सोना, पता नहीं केसों केस में पता चली जा रही है। देखो ऑनेस्टली मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सीरियस डाउट है कि भारत में गोल्ड माइंस, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहाँ खुदाई करके वो बहुत गोल्ड सोना निकाल लेंगे, बाहर के विदेश में जाके निकाल रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, पता नहीं 20 साल से कम से कम 20 ईयर्स पहले हमने सुना था कि गोल्ड निकालेंगे कुछ ना कुछ। तो खैर ये तो देखा जाएगा आगे, लेकिन इंडेक्स लेवल में मुझे लगता है कि यहाँ से अभी पिच आप देखोगे तो आपको ऐसी लगेगी सबड्यूड 4 जून तक, लेकिन इंडेक्स स्टॉक लेवल पे बड़े मोमेंटम है और उसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन ग्लोबल पिच देखना चाहते हैं तो बहुत ही सॉलिड है, शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। नहीं वाकई, BHEL 320 रुपये गए वैसे, मैंने अपनी टीम डाला कि रिजल्ट बताऊंगा मैं। हाँ, BHEL के सबसे टॉक अबाउट रिजल्ट है वैसे आज। खैर, टीम शुरू कर रहा हूँ और ध्यान रखिएगा सब लाल हरे अपने न्यूज पेक्स के चलते हैं। प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर इन 20 स्टॉक्स जो मेंशन हो रहे हैं कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन बना रहे हो आप लोग। हिटाची एनर्जी हरे में रखता हूँ, नंबर ऑपरेशनली तो अच्छा है, वैसे पूरा परकुलेट हुआ है, आय में 27% का उछाल, इबीटा 92% का जंप, मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, तो अच्छी आय में उछाल, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन, और मुनाफा 50-51 करोड़ वाला बढ़ के 113-114 करोड़ रुपये पे, हालांकि ये ट्रेडिंग वाला है नहीं, ये लिक्विड है, टिकट साइज बड़ा है, तो अपन जो वॉच करेंगे, अच्छा नंबर है इसीलिए अपफ्रंट मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे नंबर्स हैं GETND इंडिया के, Q4 में आए इसकी भी 30% साल दर साल बढ़ी, PBT 4.25 करोड़ वाला बढ़ के 102 करोड़ पे पहुंच गया, और घाटा होता था इस तरह का ऑपरेशनल हुआ, परकुलेट होके सब कुछ आया तो इसको 15 करोड़ के घाटे के सामने 66 करोड़ का मुनाफा हो गया। नंबर्स अपनी जगह है, इन कंपनी से एक और हाईलाइट है स्वेलिंग ऑर्डर बुक, Q4 में ऑर्डर बुकिंग्स हैं 1330 करोड़ की, साल दर साल
क्वार्टर कंपेयर करूं तो 53% ऑर्डर बुकिंग में जंप है। FY24 की ऑर्डर बुकिंग्स हैं ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ रुपए, 112% साल दर साल का इजाफा है। और इस समय ऑर्डर बैकलॉग क्वार्टर के एंड में खड़ा हुआ था 6,270 करोड़ का। इस तरह से पिक्चर तस्वीर है। तो नंबर्स अच्छे हैं, इंटरनल्स अच्छे हैं, इसीलिए हरा है। अब स्टॉक क्या प्राइसिंग करके ऑलरेडी बैठा हुआ है वो नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी कल के बाजार में 4-5% मजबूत था। इंडोको रेमेडीज पिटा हुआ स्टॉक है। यूएस एफडीए से एक एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी कि अंडा अप्रूवल आया है प्रेगाबलिन कैप्सूल्स के लिए, जो ये अपनी गोवा फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करेंगे। न्यूरोपैथिक दर्द के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मंजूरी आई है, बढ़िया खबर है। पिटा हुआ स्टॉक है, ग्रीन रखा है, देखते हैं आज बिहेवियर कैसा रहता है। लेकिन ये तीनों हरे हरे तीनों, अच्छा मेरे मतलब सब ज़्यादातर हरे हरे हैं। मेट्रोपॉलिस नंबर अच्छे हैं इसके और उम्मीद से बेहतर नंबर आए हैं। रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ है, 331 करोड़ है। एबिटा भी 80 करोड़ आया, 72 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 23% का अनुमान थे, 24.2% आए हैं। और मुनाफा 38 करोड़ के सामने 36.5-37 करोड़ आया है। और इसमें अमीरा शाह जो इनके MD हैं वो अब MD का पद छोड़ेंगे और वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। तो कई रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या ये भारी पड़ेगा। भाई वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन नहीं, भारी क्यों पड़ेगा। मुझे लगता है नंबर अच्छे हैं और मार्केट इसको लाइक करेगा। हाँ, एक रेड में है एरिस लाइफ। एरिस लाइफ में जो नंबर्स है ना वो ठीक है, लेकिन मार्जिन में 2.5% की कमजोरी है। और नंबर भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है दबाव वाला स्टॉक रह सकता है। तो इसको मैं रेड में रख रहा हूँ, एरिस लाइफ साइंसेस को। तीसरा स्टॉक है गल्फ ऑयल। ये मतलब बहुत ही स्टीडी परफॉर्मर है ये, बहुत सारे लोग इसको डिविडेंड के लिए प्रोडक्ट खरीदते होंगे। लेकिन नंबर अच्छे हैं, 792 के समय 870 करोड़ का रेवेन्यू और 106 के सामने 115 करोड़ का एबिटा और मुनाफा 80 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़। नंबर अच्छे हैं इसके, तो गल्फ ऑयल को भी ग्रीन में लेके चल सकता है। तीनों का मेरे भी। JK टायर डिसेंट लग रहा है क्वार्टर। आय 2.5% बढ़ी, इबिटा 28% बढ़ा, मार्जिन्स में 260 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 56% बढ़ा। और उसे पर्सपेक्टिव में रखूँ तो इसके पीयर्स जो अभी दिग्गजों के नंबर्स आए थे उसमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आ गया था। और आज तो खैर एक में लास्ट ट्रेड भी होना है, तो ऐसा ना टायर एज ए स्पेस ठंडा पड़ जाए। और मुझे लगता है JK टायर के नंबर्स डिसेंट हैं, ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ नंबर्स पे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पिटा हुआ स्टॉक है। नंबर्स पर कहा जा रहा है नंबर्स शायद आ चुके हैं बाजार के टाइम, ये ध्यान रखिएगा। अब रिएक्शन उसके बाद ठंडा सा है, इसका मतलब नंबर्स अच्छे लग रहे थे रात में देखे मैंने तो। 30% साल के हाई से स्टॉक करेक्टेड खड़ा हुआ है। ये कंपनी एरोस्पेस, ग्राउंड डिफेंस, एवियोनिक्स वगैरह के लिए मिशन क्रिटिकल और वो टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, ऑपरेशंस करती है। आय 26% बढ़ी, इबीटा 26% बढ़ा, मार्जिन्स में रिजल्ट नहीं रहते साहब क्या, मार्जिन्स में 21% के का आंकड़ा है और मुनाफा 79% का जंप दिखा रहा है। अच्छा, FY25 की गाइडेंस भी डिसेंट है। आय 25% बढ़ने की बात कर रहे हैं और इबीटा कह रहे हैं कि 22-24% के कॉरिडोर में रहेगा। तो गाइडेंस अच्छी, नंबर्स इंकरेजिंग, स्टॉक करेक्टेड खड़ा हुआ है। एक लाल है लेकिन, वो है महाराष्ट्र सीमलेस। आय 26% साल दर साल गिरी है, इबीटा इसका 321 करोड़ से घट के 275 करोड़ पे है, यानी कि मार्जिन्स मेरे ख्याल से 22% के आसपास के हैं, मुनाफा रिड्यूस हुआ है। ये नंबर्स ठंडे हैं महाराष्ट्र सीमलेस के लिए, वो टॉप लाइन सबसे बड़ा चैलेंज है, ठंडा जो पड़ गया और इवन सीक्वेंशली ठंडे दिख रहे हैं, इसको लाल रखा है मैंने। देखते हैं, वॉचआउट करेंगे आज के सेशन में, अच्छे हो गए। ओके, तो अपना अगला जो स्टॉक है वो एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। नंबर काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं इनके, और इनका जो प्रॉफिट है वो 98 करोड़ गया है, 88 से बढ़ के, और सीक्वेंसली भी देखें या YoY देखें 47 से बढ़ के 98 हुआ है। रेवेन्यू 835 करोड़ है, 613 करोड़ से बढ़ के हैं।
क्वार्टरली देखेंगे 753 करोड़ से बढ़ के 835 करोड़ आया है, और एबिटा भी 133 करोड़ आया, और लगभग डबल डबल है। सारे नंबर्स बहुत ही सॉलिड दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसको भी आप ग्रीन में लेके चल सकते हैं कि नंबर काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद अगला स्टॉक आता है आपका रेट गेन, और इनके भी नंबर बहुत बढ़िया है। 48 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है जो पहले 29 करोड़ था, और रेवेन्यू 255 करोड़, 182 बढ़ के। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये अभी भी कमांड करेंगे, 20-22% की मार्जिन ये आने वाले साल में भी कमांड करेंगे, जो कि अच्छी बात है। एक तो नंबर धांसू हैं इनके, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये सब वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर रहे हैं अब तक। छठवां स्टॉक है रेलटेल। रेलटेल को इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिला 17 करोड़ 21 लाख का DRDO से, तो साइज़ तो बहुत बड़ा नहीं है रेलटेल का, लेकिन ठीक है, अब इतना बड़ा ऑर्डर है तो ध्यान रख सकते हैं, ग्रीन में इसको भी रखा मैंने। छः हो गए भाई, छोटा सा एक ब्रेक और इसके बाद अगले चार चार स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब अगले जो चार स्टॉक्स हैं उसमें सातवां स्टॉक है डॉलर इंडस्ट्रीज। आपको याद होगा एक कंपनी छोड़ो बाकी सबके बहुत बुरे हाल चल रहे थे, तो अभी इस बार क्वार्टर नंबर अच्छा आया इसके, 490 करोड़ का रेवेन्यू आया और 34 करोड़ का मुनाफा है 5 करोड़ से बढ़ के, तो हो सकता है ये टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा हो, ग्रीन में रख सकते हैं इसको। दो स्टॉक कल वाली थीम के हैं, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। बहुत बड़ी तेज़ी कल हिंदुस्तान जिंक बनी थी, 20% ऊपर था, ये डेज हाई पे जाकर बन गया। क्या ये आज भी जारी रहेगी पता नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए, हम लोग हम देखेंगे, क्योंकि अगर एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुआ तो अभी ये पिटाइट बाकी है। और वैसे भी आज भी इंटरनेशनल प्राइस आप जिंक के, एल्युमिनियम के, कॉपर के देखेंगे तो ऊँचे ही चल रहे हैं, तो इसको ग्रीन में रखिए। और वेदांता भी कल वेदांता ही 5-7% चढ़ा है लगातार, 7% देखिए तेज़ी बन रही, तो बहुत तेज़ी है मेटल में, तो इसलिए दो रिपीट करके रखते हैं यहाँ पे। और दसवां स्टॉक है BHEL भेल। फ्रंट लाइन नंबर बहुत ही ख़राब, मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान है, रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंपनी की ऑर्डर बुक Q4 में 78,000 करोड़ की थी, 41,000 केवल Q4 में आया FY24 की इस ऑर्डर बुक में, और अब वो टोटल ऑर्डर बुक तो 1,25,000 करोड़ से ऊपर की है। 9 गीगावाट के इनके पास ऑर्डर थे, 7 गीगावाट इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए हैं, और इनको उम्मीद है कि FY25 में 10 गीगावाट के ऑर्डर इनके पास होंगे। साथ ही कंपनी डाइवर्सीफाई कर रही है, एयर गन बनाएगी डिफेंस के लिए, 2-3 यूरोप की कंपनी के साथ टाई अप भी कर लिया है, और अभी 70-30 का है, 70% पावर सेगमेंट का ऑर्डर, 30% इंडस्ट्रियल, ये इसको 50-50 करेंगे, तो बहुत एग्रेसिव कमेंट्री है मैनेजमेंट की, तो मुझे लगता है कि ये रडार पर रखना चाहिए ग्रीन साइड में। और बहुत ही दिलचस्प बात ये बताऊं कि दो रिपोर्ट्स आई हैं, एक जेफरीज की है, नहीं एक CLSA की है, जिन्होंने सेल कॉल दी है 189 के टारगेट के साथ, और मॉर्गन स्टैनली ने बाइक इक्वल वेट कॉल दी है 220 के साथ। अब मुझे तो वो लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने 30 रुपये के टारगेट दिए थे, 10 गुना उनके टारगेट से ऊपर है, चेस करना चाहिए। एयरगन मतलब वो जो बचपन अपन खेलते थे वो बनाई है नहीं नहीं डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सब के लिए काम किया है। एक एयरगन आती थी जिसमें अपन लोग डालते थे, गुब्बारे फोड़ते थे, गुब्बारे फोड़ते थे, नहीं नहीं वो वाली नहीं, कुछ सोफिस्टिकेटेड एयरगन होगी, सोफिस्टिकेटेड है, तो वो बनाएंगे, नेवी के लिए काम करेंगे, एयरफोर्स के लिए करेंगे। अब ये क्या है, अब आपके पास एक डाई मशीन है तो आप कुछ भी बना सकते हो, BHEL उसी टाइप की हो गई कंपनी, जो बोलो सो बना के देंगे आपको, तो रखिए इसको ग्रीन में। और ये सब माया है, स्टॉक चल रहा है तो चल रहा है फिर। अच्छा अब अगर आप थोड़ा समय रुकें उसके बाद महाराष्ट्र में ट्रैवल करेंगे तो आपको शायद रोड अच्छे अच्छे दिखेंगे। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से कंपनीज को ऑर्डर डोल आउट हुए हैं। PNC इंफ्राटेक कह रहा है हम 2 EPC रोड प्रोजेक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए L1 डिक्लेयर हुए, यानी कि लोएस्ट बिडर हैं, ऑलमोस्ट सर्टन की लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास जा रहा है, ये ऑर्डर बैक कर लिया 4994 करोड़ के दो ऑर्डर, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आए। ऐसे ही GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं
ये L1 डिक्लेयर हुए दो प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 4,346 करोड़ 4,300 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर्स इन्होंने भी बैक कर लिए हैं। इनके लिए भी अच्छी खबर ये देखिए 4,346 करोड़ के दो ऑर्डर, तो बढ़िया ऑर्डर बैक करें, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेंगे। एप्टस वैल्यू हाउसिंग में कल लार्ज ट्रेड हुआ था, माल बेचने वाले थे वेस्टब्रिज और JIH। खरीदारों को देखते हुए मैं इसे ग्रीन करता हूं, कल बहुत प्रेशर में आ गया था ये। SBI म्यूचुअल फंड ने 1,82,00,000 शेयर्स खरीदे, बहुत फ्लश है ये फंड लिक्विडिटी से। आज अपोलो टायर्स, इसीलिए हम दोनों टीम में नहीं दिखा, आपकी टीम में है क्या? ना। हम डरे हुए हैं कि कहीं ब्लॉक विंडो में निपट जाएगा, इतना पैसा है फंड के पास, एक साथ मास मिलेगा खाने के लिए तो खा जाएंगे, क्या पता। SBI ने तगड़ा चंक खरीदा और ईस्ट ब्रिज कैपिटल ने भी 43,00,000 शेयर से ज्यादा एक्वायर करे, ग्रीन करा। और फाइनली यूनाइटेड स्पिरिट्स को लाल रखा है, यार पानी का बिल नहीं भरे, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा है यार, पानी बिल नहीं भरे और इतना पानी ले लिया कि 345 करोड़ का बिल आ गया है। हालांकि पानी बहुत लगता है इनके प्रोसेस में, 345 करोड़ रुपए का वाटर चार्ज अरियर का भुगतान का नोटिस मिला है, ये 2018 से लेकर 2024 तक का 6 साल से पानी का बिल नहीं भर रहा, काटा भी नहीं पानी, अपने तो एक दो महीने में काट देते हैं भाई, ये निपटा देंगे क्या थोड़ा कुछ सेटिंग करके? ऐसा होगा अब पब्लिकली है, पीछे से कहते लाइनमैन को देखो ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि आदमी पुराना बिल बिजली का आ गया 10,000 रुपये तो मीट ठीक भी कराया, मांडवाली कराई, कुछ माफ़ी स्कीम चलती हैं, चलो वो कुछ करके निपटा दिया, या कंपनी 350 करोड़ पे करेगी, मतलब इस पर दिलचस्पी मैं देखूंगा अगले 1-2 साल के इनके आगे। ये पानी के बिल में कंटेस्ट भी बेचारे क्या करेंगे, पानी भाई बना रहा हो तो दो ना अब इतना बातचीत कर लेना, देना पड़ेगा तो भाई USL को लाल रखा है, अब आएगा इनकी तरफ से कोई अपडेट, देखते हैं जो भी है, पर तगड़ा बिल, अरियर्स तगड़े हैं। 10-10 स्टॉक पूरे हो चुके हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे, वैसे पानी की जगह सोडा से उसमें पानी मिलेगा, ब्रेक के उस पर टीम का क्विक रैप अप। चलिए भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर आएगी, ये सिर्फ खबरों को ऐसे लाल आ रहे हैं, आप भाई ट्रेडिंग वेडिंग में फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा। हिताची GTND अच्छे रिजल्ट्स, इंडोको रेमेडीज USFDA से दवा की मंजूरी, JK टायर्स अपोलो के डिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस, महाराष्ट्र सीमलेस कमजोर दिख रहे थे, PNC इंफ्रा और GR इंफ्रा को ऑर्डर्स मिले महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, L1 में हो गए खैर, एप्टस में लास्ट ट्रेड में बाकी इन्वेस्टर्स कल चेक इन कर रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स वाटर चार्ज के अरियर्स तगड़े हैं 345 करोड़। चलिए नतीजे भाई पूरा फोकस है, बहुत सारी कंपनीज ने अच्छे अच्छे नतीजे पेश किए हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ के नतीजे अच्छे हैं और एनी सेक्टर है जहाँ पे मार्जिन प्रेशर है थोड़ा, तो इसलिए उसको रेड में रखा, बाकी गल्फ ऑयल, एस, रेट गेन, इन सब के नतीजे बढ़िया है, रेलटेल को एक ऑर्डर मिला DRDO से, डॉल इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक वेदांता अगेन है, कल मैंने पूरी बताई थी आपको मेटल थीम चलेगी, आज भी उसमें कंटिन्यूशन हो सकता है क्योंकि सब डेज हाई पे जाके बंद हुए हैं, और BHEL में ध्यान रखिएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है जो उन्होंने अपनी कॉन कॉल में बताई है, तो BHEL को भी ग्रीन में रखिए।